कौन से कानून की प्रोविजन कोट कर रहे हैं आप? सर बच्ची का मेडिकल होना चाहिए ना, ये इल्जाम दिए गए थे कि बच्ची को बेहोश किया जाता है, उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये मीडिया पे बातें फैलाई जाती थी, मीडिया को पागल बनाया गया था, मीडिया को कहा गया था कि वो गैंग का हिस्सा है। अच्छा एक सेकंड मेरे भाई, आप सवाल कर रहे हैं, अदालत में जब से केस लिया है या प्रेस में मीडिया में अडॉप्ट किया है कि बच्ची के साथ कोई ऐसी की चीज हुई है कि नहीं हुई है? एक सेकंड ना सुन लेना, सवाल कर लिया जो, ठीक है, जब से मैंने ये केस लिया है और ये मैं इस केस की पैरवी कर रहा हूँ, क्या वालिद और वालदा ने ये बात की है? नहीं की है, रिकॉर्ड कहाँ है? रिकॉर्ड है सर, मैं कई ऐसी वीडियोस ला सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड ला सकता हूँ सर, आप जवाब नहीं देना चाह रहे? बहुत शुक्रिया, एक सेकंड रुको ना, देखिए सुने, ये भाई अभी एडिट करके ये ना बोलते हैं कि जबरान नासिर जवाब दिए बगैर चला गया, फरार इख्तियार कर ली, तो मैं इनकी इंटेग्रिटी पे एग्री करते हुए कि पूरा चलाएंगे, मैं पूरा जवाब दूंगा। हाँ चलिए ठीक है, और पूरा सवाल कर ले आप, ये मुझे बताइए कि भाई कि ट्रैफिकिंग इन पर्संस की दफात हमने लगाई या पहले आईओ ने अपने इंटरिम चलान में लगाई? पुलिस ने लगाई, ठीक है, हमने तो 364 की एफ आई आर कटाई थी, पुलिस ने इंटरिम चलान के अंदर ट्रैफिकिंग इन पर्संस लगाई, मैंने तो नहीं देखा आपने आज तक जाके इस केस के आईओ का इंटरव्यू किया कि क्यों लगाई थी, वो बताएगा ना, तफ्तीश की उसका मुझसे पूछ के तफ्तीश नहीं कर रहा है वो, पहली बात। दूसरी बात ये आप जानते हैं कि भाई 10 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड हुआ बच्ची की एज डिटरमिनेशन करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो अदालत में मौकफ इख्तियार किया हुआ है वो है वर्गलाना, डर खौफ, ठीक है, खुदा के वास्ते भाई किसी भी रैंडम आदमी का कोई भी रैंडम तबसरा पढ़ के वो अगर आपकी दिल आजारी कर रहा है तो उसका कसूर मुझे मत दीजिए, आपको जिन पे गुस्सा है आप उन पे जाके गुस्सा निकालिए, आपको जो चलता हुआ शरीफ आदमी मिल गया है जो आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, आप कह रहे हैं नहीं दुनिया का सारा बदला तुमसे लूंगा आज मैं जबरान, ये तो भाई प्यारे भाई मेरे बात ना करो ना, इंसाफ वाली बात करो, आप मुझसे हजार सवाल करोगे मेरे मुंह से निकली हुई बात पे जितने सवाल करोगे, भाई ये एक चाइल्ड मैरिज केस है, मिसिंग पर्सन केस हों, फ्यूडल लॉर्ड्स के केस हों, मर्डर के केसेस हों, हमारे इस सूबे का आईजी अगवा हुआ था, इल्जाम लगा था सासेदारों पे, उसकी पिटिशन भी मेरे नाम से सुप्रीम कोर्ट में आज तक दवा पड़ी हुई है, तो मैं सवालों से भागने वाला तो कोई आदमी नहीं हूँ, ये कराची के शहरी दोस्त जानते हैं कि किन किन केसेस में इन्वॉल्व रहे, मगर मच्छर तो भी